वेलकम टू योर स्टॉक माई एनालिसिस सीरीज, जहां पर आप मुझे कमेंट में अपने स्टॉक का नाम बताते हो और मैं उसका प्रॉपर एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करता हूं और हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज़ करके पूरा एनालिसिस करते हैं और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं आईजीएल के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। आज के इस वीडियो की मुझे रिक्वेस्ट मिली है अमिता की तरफ से, सो एनालिसिस को करते स्टार्ट। सबसे पहले देख सकते हो हम इसका अगर मेजर ट्रेंड की बात करें तो इसके प्राइस एक्शन की बात करूँ तो देख सकते हो कि 2004 से कंटिन्यूसली बुलिश में, यानी कि इसका जो मेजर ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली बुलिश है, जहाँ पर देख सकते हो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती हुई हमको कंटिन्यूसली नजर आ रही है। राइट, कुछ इस टाइप का पैटर्न हमको देखने को मिला। लॉन्ग टाइम इसका जो ट्रेंड है काफ़ी बुलिश है। राइट, उसके अलावा अगर हम छोटे टाइम फ्रेम देखें तो रिसेंट में हमको काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है, तो क्या हमको इसमें अभी फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, वो सब कुछ हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राइट, तो सबसे पहले एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। एक ट्रेंड लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। राइट, एक जोन मैंने क्रिएट किया और यहाँ पर देख सकते हो जब भी प्राइस ने हिट किया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और वहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिया। राइट, तो मैं कुछ ग्रीन एरो से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी एक परफेक्ट एनालिसिस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का पैटर्न है। राइट, ओके, अब मैं इसमें अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊं आपको डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो मेजर ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली बुलिश है। सो अभी हमको कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रही है, तो क्या हमको इसमें सही टाइम इसका कहाँ होगा फ्रेश बाइंग का, उसके लिए हम देखेंगे एक्यूरेट पॉइंट क्या हो सकता है। राइट, सो यहाँ से ऊपर से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली हमको यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस साइडवेज हुई, कंसोलिडेट किया, उसके बाद रिसेंट में हमको एक थोड़ा सा सेलिंग हमको देखने को मिल रही। राइट, सो कुछ इस टाइप का पैटर्न हमको देखने को मिला, तो हमारी एंट्री कहाँ पर हो सकती है। देखो, इसका जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है, जहाँ पर हमको अगर कुछ भी ग्रीन सिग्नल यहाँ पर देखने को मिलता है तो वहाँ पर हम इमीडिएट एंट्री ले सकते हैं। तो वो ग्रीन सिग्नल हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा उसका मैं लॉजिक आपको दिखाऊँ। देख सकते हो ये जो इसका लास्ट स्विंग हाई है, जो मेजर स्विंग हाई है वो ये वाला पॉइंट है, यानी कि 360 के अराउंड, 370 के अराउंड एक मेजर स्विंग लो है। राइट, तो अगर जब तक कि 370 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक इसका ट्रेंड बुलिश ही कहलाएगा। राइट, वो बेरिश ट्रेंड नहीं होगा। राइट, उससे पहले कितनी भी सेलिंग हो जाए लेकिन उसका मेजर ट्रेंड हमेशा बुलिश ही रहने वाला है जब तक कि 370 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। रिसेंट में देख सकते हो प्राइस ऑलरेडी एक जोन के पास में आ चुकी है, तो यहाँ पर हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ये पिक्चर आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। राइट, ओके, सो ये लेवल देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ऑलमोस्ट देख सकते हो 400 के प्राइस अगर प्राइस आती है और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अगर बुलिश मोमेंटम देती है तो हम डेफिनेटली इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आपको कब करना, जब 400 के प्राइस में प्राइस आए और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद एक बुलिश मोमेंटम अगर देती है तभी आपको एंट्री लेना है, अदरवाइज आपको वेट करना, आपको अर्ली एंट्री नहीं करना। हो सकता है यहाँ से ट्रेंड बदल भी जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 400 के आसपास। राइट, तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। जहाँ पर भी हमको एक बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिले और वहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम में अगर थोड़ा सा हमको हैवी वॉल्यूम भी देखने को मिले तब हमको एंट्री लेना है, वहाँ उससे पहले आपको एंट्री नहीं लेना है। थोड़ा सा प्राइस कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाएगी। राइट, मैं आपको थोड़ा सा परफेक्ट दिखा देता हूँ, देखो किस टाइप का पैटर्न हमको देखने को मिलने वाला है। यहाँ से देखो शार्प सेलिंग हमको देखने को मिली, अब यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, यहाँ पर कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाएगा जहाँ पर प्राइस वेट करेगी और वेट करने के बाद अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है विच इज़ वेरी गुड। राइट, अगर यहाँ से वेट करने के बाद ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, उसके बाद एक शानदार रैली हमको देखने को मिलेगी। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, इस वेट करने के बाद जो ब्रेकआउट होगा इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास आपकी एंट्री होगी। राइट, यहाँ पर वेट करने के बाद जब ब्रेकआउट होगा तो इस लेवल के पास आपको एंट्री करना है और जो भी स्विंग लो बने उस स्विंग लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस डालना है। फिलहाल अभी प्राइस में हमको कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रही, तो अभी आपको एंट्री नहीं करना है, इमीडिएटली आपको वेट करना है जब तक कि प्राइस एक कंसोलिडेट नहीं कर देती और कंसोलिडेट करने के बाद जब तक ब्रेकआउट नहीं लेती तब तक आपको एंट्री नहीं करना है, उसके पहले आपको वेट करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको अर्ली एंट्री ले लो और फिर फंस जाओ, क्योंकि उसके बाद और भी सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। आई होप कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी, काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। आपकी एंट्री कब होगी, जब एक कंसोलिडेशन होगा, इस टाइप का पैटर्न जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, कुछ
कुछ इस टाइप का पैटर्न अगर बनता है यहाँ पर और ब्रेकआउट होता है तभी आपको एंट्री लेना है, वरना आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको एक स्टॉक के पीछे नहीं पड़ना। राइट, आई होप कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे लेटेस्ट लॉजिकल ट्रेडिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसे एनालिसिस वीडियो आपसे मिस ना हो, टाइम पे इन सारी चीज़ों को देख पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है देखने के बाद सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करो। जब तक आप चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे स्टॉक के साथ।